ओम शांति। बीके स्वप्ना के किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर विदाउट ओनियन गार्लिक। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए पालक, वन बंच पालक। पालक को हम लोग को पेस्ट करना है। पालक पेस्ट बनाने के लिए गैस में हम लोग कढ़ाई में 2 से 3 कप पानी उबालने के लिए छोड़ देंगे। 200 ग्राम पनीर को क्यूब के साइज में कि आप अपने हिसाब से, आपके मनपसंद हिसाब से काट सकते हो। उसके बाद पालक का पेस्ट, 2 बड़े टमाटो का पेस्ट, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली पेस्ट, जिंजर पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक, नमक, दही, मैदा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, हींग और रिफाइन ऑयल। तो पालक पेस्ट बनाने के लिए हम लोग गैस में पानी छोड़ दिए थे उबालने के लिए। वो जब उबल जाएगा उसमें हम लोग पालक को डाल देंगे। 40 सेकेंड्स के लिए पालक को डाल के उसको फिर हम लोग को निकाल लेना है। तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश रहता है। ज़्यादा उबालने से उसका रंग ग्रीन नहीं रहता है, चले जाता है ग्रीन। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग उसको पानी निकाल देंगे उसमें से, थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ के उसको हम लोग पेस्ट बना देंगे। अभी देखिए पालक पनीर कैसे बनाएंगे। एक पैन में हम लोग ऑयल, 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल रहे हैं। उसमें गोटा जीरा, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ग्रीन चिल्ली पेस्ट डाल के उसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद उसको टमाटो पेस्ट, जो हम लोग 2 टमाटो का पेस्ट बना के रखे थे, उसको डालेंगे। डाल के अच्छे से उसको स्टियर करेंगे, मतलब उसको अच्छे से मसाला को फ्राई करेंगे जब तक तेल नहीं छूट के निकल आता है। उसके बाद हम लोग उसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। याद रखिएगा दही हमेशा फ्रेश दही लीजिएगा तो करी का जो टेस्ट होता है वो अच्छा होता है। उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। उससे पालक पनीर का जो टेक्सचर होता है वो बहुत स्मूथ आता है। बस मैदा डालने के बाद देखिए ये कैसे ड्राई हो गया है। अभी हम लोग इसमें पालक का जो पेस्ट हम लोग बना के रखे थे उसको डाल के अच्छे से इसको स्टियर करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद वो थोड़ा सा जब उसमें उबाल आ जाएगा, देखिए उबाल आ रहा है, उबाल जब आ रहा है उसमें हम लोग 1 पिंच बोलिए या तो फिर 1 टीस्पून हम लोग शुगर उसमें डालेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग का पालक पनीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक बॉयल के बाद वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा, हल्का सा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी दीजिएगा। और उसमें कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून हाथ से अच्छे से उसको मल के उसमें डाल देने से उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। इतने में हम लोग का पालक पनीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। उसको 5 मिनट लो फ्लेम में डाल देने से देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आ गया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, पूरा एकदम ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा है और वो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। आपको अगर हम मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा खाना बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब